हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो बच्चों, ये लॉज ऑफ मोशन का नेक्स्ट पार्ट है, तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन व्हेन एवर टू बॉडीज आर इन रिलेटिव मोशन एंड अपोजिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले एंड दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चों, जब भी रिलेटिव मोशन होता है, दो बॉडीज़ जो आपस में कॉन्टैक्ट में हैं, क्योंकि फ्रिक्शन भी क्या है बच्चों, आपके पास वन टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो जब भी दो बॉडीज़ आपस में कॉन्टैक्ट में हैं और उनके बीच रिलेटिव मोशन होता है, तो एक फोर्स जो है वो कम्स इनटू प्ले और दैट फोर्स इज टर्म्ड एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे बच्चों, ये मेरी हथेली है, तो इस हथेली के ऊपर मैं अपने हाथ का अपर वाला पार्ट इसके ऊपर मैं क्या करवा रहा हूँ, मोशन में लेके आ रहा हूँ। तो आई एम फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन, सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, कि मुझे दिक्कत आ रही है कि हथेली को, ठीक है, अपने हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर स्लाइड करवाने में, ठीक है। तो जो दिक्कत जो आ रही है, जो फोर्स जो अपोज कर रही है इस मोशन को, उस पर्टिकुलर फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। तो बच्चों, फ्रिक्शन को समझने के लिए इसके ओल्ड व्यूज़ में भी जाना पड़ेगा और मॉडर्न व्यू में भी हमें आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ओल्ड थ्योरी पे जाते हैं। तो ओल्ड थ्योरी क्या बोलती थी कि जो दो सरफेस हैं जो कि कॉन्टैक्ट में हैं, जब ये सरफेस जो है वो बच्चों एक दूसरे के ऊपर हम इनको मोशन में लाते हैं, ठीक है, इन दो सरफेस को हम मोशन में लाते हैं, तो इनके जो जल्दी हम नेक्ड आई से इसको देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि सरफेस स्मूथ है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा, रफनेस नज़र आएगी। इस रफनेस के कारण क्या हो जाएगा, ये जो दो सरफेस हैं, ये आपका फर्स्ट सरफेस और ये सेकेंड सरफेस, ये दोनों सरफेस आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरलॉक्ड, ठीक है, इंटरलॉक्ड हो जाएंगे। और इंटरलॉक्ड आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, कि ये इंटरलॉकिंग होगी, ठीक है। तो अब जब हमने एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर क्या करवाना है, मूव करवाना है, तो ये जो इंटरलॉकिंग है इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें तोड़ना पड़ेगा। मतलब लॉकिंग जो हो रही है दो सरफेस के बीच, इसको क्या करना पड़ेगा हमें, ये देखो ना, ये दिख रहा है आपको, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए जो हम फोर्स लगाएंगे वो अप्लाइड फोर्स होगी, और जो लॉकिंग फोर्स अपोज करेगी अप्लाइड फोर्स को, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन इस पर्टिकुलर ओल्ड थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स थे। पहला ड्रॉबैक्स इसमें यह था कि इसने ये बताया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, डिपेंड करेगी बच्चों, ये डिपेंड करेगी कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है दो सरफेस के बीच। लेकिन बाद में ये पाया गया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एज लॉन्ग एज नॉर्मल फोर्स रिमेन द सेम। और दूसरे नंबर पर इसने ये कहा कि यदि सरफेस ज़्यादा स्मूथ है तो फ्रिक्शन जो है वो कम होगा, ठीक है। लेकिन यदि एक्स्ट्रा मॉडर्न थ्योरी इसको अपोज करती है, और बाद में ये पाया गया कि यदि सरफेस जो है वो एक्स्ट्रा स्मूथ है, ठीक है, तो उन सरफेस के बीच एडिसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट में लगेगी। जब ज़्यादा अमाउंट में लगेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। वहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो मॉडर्न व्यूज़ को हम अब देखने की कोशिश करेंगे कि मॉडर्न व्यूज़ में क्या बताता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो बच्चों, मॉडर्न व्यू के बारे में ये फर्स्ट बात है इन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ये जो फोर्स है ये इंटरलॉकिंग की वजह से नहीं है, बल्कि किसकी वजह से है, ये फोर्स इंटर एटोमिक इंट्रैक्शन, एटोमिक और मॉलिकुलर इंट्रैक्शन दो सरफेसिस के बीच जो कि कॉन्टैक्ट में है, और उन फोर्स और उन सरफेसेस के ऊपर एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करने वाली है, मूवमेंट करने वाली है। यदि बच्चों हम ये बॉडी को रेस्ट में ही रहने देंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा कब, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करेगी, टेंड्स टू मूव। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल ध्यान से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बच्चों, ठीक है, जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट बॉडी है
और ये सेकंड बॉडी है, और यहाँ पे दो बॉडी क्या है, आपस में कॉन्टैक्ट में है। जब दो बॉडी आपस में यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है तो यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर ज़्यादा है। ये बॉडी क्या कर रही है, इसको ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है, टू एक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगा रही है इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, कॉन्टैक्ट है। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। तो यहाँ पे देखिए बेटे ध्यान से, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो जब दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे प्रेशर बढ़ जा रहा है। प्रेशर बढ़ जाने से क्या हो रहा है, जो इंटर एटॉमिक या फिर आप इसको मॉलिक्यूलर जो दूरी है वो कम हो जा रही है दो मॉलिक्यूल्स के बीच या फिर दो एटम्स के बीच। तो जब दूरी कम हो जा रही है तो जो बॉन्डिंग है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, वो क्या प्रीडोमिनेंट हो जा रही हैं। जब वो प्रीडोमिनेंट हो जा रही हैं तो फ्रिक्शन आपका यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपने क्या करना है, बॉडी को, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करवाना है बच्चों, मूव करवाना है। तो जब आप उसको मूव करवाने की कोशिश करोगे, तो जैसे टू बॉडी को फर्स्ट बॉडी के ऊपर आप आगे की तरफ चलाना शुरू करोगे, तो यहाँ पे एक प्रकार से कोल्ड वेल्डिंग है ना, वेल्डिंग होती है ना, जैसे कोल्ड वेल्डिंग हो गई है इस इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन के कारण। तो आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे एफ अप्लाइड, तो अप्लाइड फोर्स आपकी आगे की तरफ लगेगी और फ्रिक्शन फोर्स आपकी अपोज करेगी मोशन को। किसको अपोज करेगी बच्चों, मोशन को अपोज करेगी। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे ये दो सरफेस कॉन्टैक्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगी, टेंजेंशियल, राइट। कैसे लगेगी बच्चों, टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे ये फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी और क्या करेगी, इस मोशन को अपोज करेगी। यदि आपको बॉडी को चलाना है इसके ऊपर तो लगातार जो है वो बॉन्ड बनेंगे, बॉन्डिंग बॉन्ड इंट्रैक्शन बनेगी, बॉन्ड इंट्रैक्शन टूटेगी और आपको जो नेट फॉरवर्ड फोर्स है वो लगाना पड़ेगी ताकि बॉडी जो है वो मूवमेंट में आपकी रह सके। तो बच्चों अब हमारे पास डिस्कस करना चाहेंगे हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमारे पास दो प्रकार के फ्रिक्शन है। फर्स्ट आपके पास एक्सटर्नल फ्रिक्शन, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको एक्सटर्नल फ्रिक्शन। और सेकंड बच्चों आपके पास है इंटरनल फ्रिक्शन। सेकंड हमारे पास है इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन की बात कर लेंगे। एक्सटर्नल फ्रिक्शन फर्दर तीन प्रकार से है। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो है इसके फर्दर बच्चों तीन टाइप हैं। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन के टाइप्स हम आपको बताएंगे। पहले नंबर पे है स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। क्या है बच्चों, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरे नंबर पे आपके पास क्या हो, कौन सा फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। और तीसरे नंबर पे आपके पास कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तीन प्रकार के हैं, तीन टाइप के फ्रिक्शन है, स्टैटिक, लिमिटिंग फ्रिक्शन और यहाँ पे हमारे पास है काइनेटिक फ्रिक्शन। और इंटरनल फ्रिक्शन जो है ये मॉलिक्यूल्स के अंदर, लिक्विड के अंदर जब दो लेयर्स कॉन्टैक्ट में है और मूव कर रही है तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज़ इंटरनल फ्रिक्शन। तो लेटर ऑन हम इंटरनल फ्रिक्शन को स्टडी करेंगे। अभी हमारा जो मेन मोटिव है वो इस प्रकार के तीन प्रकार के जो फ्रिक्शंस हैं इनको स्टडी करने के ऊपर हम थोड़ा सा बच्चों कॉन्सेंट्रेट जो है वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों हम एक ब्लॉक ले लेते हैं जो कि रेस्ट कर रहा है यहाँ पे सरफेस के ऊपर, टेबल के ऊपर। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ब्लॉक आपका रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जनरली ये ब्लॉक का सरफेस इस सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में, तो उसको ये प्रेस करेगा mg, और एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज़ नॉर्मल टू दी सरफेस, ये आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे जनरली हम बात करेंगे कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। फोर्स क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं। इसको फोर्स अप्लाइड को हम यहाँ पे कैपिटल एफ से लिखेंगे। तो बच्चों ये जो बॉडी है इसके ऊपर हम थोड़ा सा फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ अप्लाइड करेंगे,
तो आप ये पाओगे कि ये बॉडी जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। यदि ये बॉडी अपनी जगह से नहीं हिलेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो दो सरफेस कॉन्टैक्ट में हैं यहाँ पे इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन हो चुकी है और उसके कारण जो है वो अपोजिंग फोर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, या फिर आप बोल सकते हो कि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट आपकी फोर्स जो है वो डिवेलप हो चुकी है। और वो फोर्स कौन सी है? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये FS आपके पास आ गई है। तो ये अप्लाइड फोर्स है, ये आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाओगे बच्चों, ठीक है, तो फोर्स ऑफ जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी साथ साथ बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आपके पास क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। यदि बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और अच्छे से समझ आ रहा है तो मुझे जरूर डेफिनेशन दे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की, वहाँ पे लिख के बताएं ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को अच्छे से पता लग रहा है, ठीक है। तो लाइक जरूर करा करिए, बाद में आप भूल जाते हो, अभी कर दो बच्चों आप लाइक। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि थोड़े ही दिनों में लाइव आएंगे और रेगुलर आपकी स्टडी जो है वो इस चैनल पे चलती रहेगी। तो नेक्स्ट आपके पास हम बात कर रहे थे कि ये जो फोर्स ऑफ अप्लाइड, जो अप्लाइड फोर्स है ये किस से बैलेंस होगी, आपकी फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। लेकिन फोर्स ऑफ अप्लाइड, जो हम अप्लाई फोर्स है उसको हम थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि दिस बॉडी इज जस्ट ऑन द वर्ज टू मूव, जस्ट है ना, एक ऐसा मोमेंट भी आएगा, फोर्स की एक ऐसी वैल्यू भी आएगी जिस वक्त हमें ऐसे लगेगा कि ये जो ब्लॉक है जिसका मास m है ये चलने की कगार पे है, राइट, कहाँ पे, चलने की कगार पे है। तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू है, उसको हम बोल देंगे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोल देंगे हम उसको? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको हम बोल देंगे, ठीक है। बॉडी इज जस्ट ऑन द वर्स टू मूव, तो दैट इज टर्म्ड एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो बच्चों, आर इज इक्वल टू एम जी और FS इज इक्वल टू F, ठीक है, अप्लाइड। तो यहाँ पे ये आप इक्वेशन चेक कर सकते हो, ये किसकी इक्वेशन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की इक्वेशन आपके पास है, R इज इक्वल टू एम जी और FS इक्वल टू F। और यहाँ पे आपकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या है, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन आता है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों जब हम अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगी तो बॉडी चलने लग जाएगी दूसरे सरफेस के ऊपर। तो जब बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर रही है तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन लगेगा बच्चों। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो फुटबॉल आपका, ठीक है, आपने किक किया तो ग्राउंड पे चलते चलते क्या आ जाता है, वो रेस्ट पे आ जाता है। क्यों रेस्ट पे आ जाता है? क्योंकि जब बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर चल रही है तो अपोजिंग फोर्स तब भी लग रही है। तो जब चलते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ पे जो टेंशन फोर्स लगती है, दैट फोर्स इज टर्म्ड एज फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो बच्चों जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा कम होती है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की, और लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चलना शुरू करती है तो वहाँ पे जो बॉन्डिंग टाइम है बेटे वो नहीं मिल पाता, कम मिल पाता है। तो जब बॉन्डिंग टाइम कम मिलेगा आपका तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली जो फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन की वो कम हो जाएगी। इसको हम बेटे ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफिकली हम इसको कैसे आपको समझा सकते हैं। तो लेट अस हैव ए ग्राफ। तो जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो ग्राफ आपके पास, दिस इज योर फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये आपके पास कौन सी फोर्स है बच्चों, अप्लाइड फोर्स है, और ये आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है।
तो जब आप इन दोनों के ऊपर दोनों के वर्सेस ग्राफ जो है वो प्लॉट करोगे तो क्या होगा, तो आप ध्यान से देखिए, ये जो ब्लॉक है आपका, इसके ऊपर हम फोर्स एफ लगा रहे हैं, तो उसी टाइम पे यहाँ पे क्या लग जा रही है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपकी लग जा रही है। तो ये आपका, जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाओगे, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपकी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो बच्चों थोड़ी सी और बढ़ाओगे फोर्स ऑफ, तो थोड़ा सा हम्प सा बन जाएगा, तो यहाँ पर भी बॉडी जो है वो मूव नहीं करती, बल्कि बॉडी कैसे है, यहाँ पे रेस्ट पे है। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम बोल देते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और यहाँ पे आपकी कौन सी वैल्यू है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही बॉडी चलना शुरू कर देगी तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये सब बच्चों को आना चाहिए। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ इस ग्राफ के बारे में। ये बच्चों ब्लॉक है जो कि रेस्ट कर रहा है किसी सरफेस के ऊपर। अब हमने यहाँ पे एफ फोर्स अप्लाइड करी, तो फोर्स एफ अप्लाई करने पे क्या हुआ, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। तो जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, ओ से लेकर ए पॉइंट तक कौन सी फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ए से बी लिमिटिंग फ्रिक्शन। बॉडी इज जस्ट ऑन द वर्स टू मूव, और जैसे बॉडी चलने शुरू कर देगी तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और सम सॉर्ट ऑफ यूजफुलनेस अबाउट फ्रिक्शन, और कुछ इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।